गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट हिंदी, निबंध। आज हिंदी में हम निबंध पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हमारा निबंध है मोर। मोर क्या है बच्चों? एक पक्षी है। एक पक्षी होते हुए वो क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम पीकॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीकॉक। मोर कैसा है? मोर सुंदर पक्षी है, जिसका क्या है, पिसारा जो खुला फैलाता है तो कैसा लगता है? अति सुंदर लगता है। यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आज हम निबंध में मोर पर निबंध लिखेंगे। और ये आपको क्या करना है बच्चों, आपके नोटबुक में अच्छे से जो निबंध वाली आपकी नोट है उसमें लिखना है ना। मोर, मोर एक बड़ा पक्षी है। मोर क्या है? एक बड़ा पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे और लंबे होते हैं। मोर रंग बिरंगा होता है। मोर के पंख ऐसे होते हैं बच्चों, रंग बिरंगे होते हैं, और वो मोर रंग बिरंगा होता है। यानी आप देखना, उसके गर्दन पे अलग कलर है, पीठ पर अलग होता है, पैरों का अलग, उसकी आप देखना, उसे आप नज़दीक से उसे देखोगे तो आप उसे उनके कलर के बारे में जान पाओगे। मोर की गर्दन लंबी और नीली होती है। देखो बच्चों, गर्दन उसकी क्या होती है? नीली होती है। पंख भी रंग बिरंगी होते हैं। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। और मोर की जो सिर है यानी उसका हेड है, उसके ऊपर क्या होती है? कलगी होती है। मोर की चोंच नोकदार होती है। और मोर जो चोंच है यानी जिसका मुँह है वो क्या है? उसकी चोंच नोकदार होती है। मोर दाने चुगता है। मोर सांप को भी मारकर खाता है। मोर दाने चुगता है, सांप को भी मारकर खाता है। मोर का शरीर भारी होने से वह दूर तक उड़ नहीं सकता। मोर का शरीर कैसा है बच्चों? भारी है, इसलिए वो दूर तक नहीं उड़ सकता। वो गांव के खलियान में दिखाई देता है। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। मोर का नृत्य सबको भाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। देखो बच्चों, ये निबंध था जो मोर पर हमने लिखा है, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अब हम बच्चों देखेंगे कहानी। क्या देखेंगे? कहानी कछुआ और खरगोश की। कछुआ और खरगोश की ये भी कहानी आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। कहानी आज हमारे कछुआ और खरगोश। एक कछुआ था और एक खरगोश था। क्या था? एक कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों एक नदी के पास रहते थे। अभी देखो, दो क्या है? नदी के पास रहते थे। कछुआ धीरे चलता था, खरगोश तेज दौड़ता था। पास में ही मेला लगा था। अभी देखो, वहाँ पे मेला लगा था जहाँ पर वो रहते थे। पास में ही मेला लगा था। मेले में सारे जानवर आए थे। मेले में सारे जानवर आए थे। सब मेले में घूम रहे थे। उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। तब खरगोश ने कछुए को कहा कि हम दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन जल्दी दौड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे खरगोश ने क्या कहा कछुए से कि हम शर्त लगाते हैं कि कौन उस मेले में जल्दी पहुँचेगा। दौड़ लगाते हैं तो कि कौन जल्दी दौड़ेगा। कछुआ बोला, शर्त मंजूर है। दोनों ने शर्त लग गई, देखें कौन जीतता है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश थोड़ी दूर दौड़ा, फिर एक पेड़ की छाया में सो गया। तो देखो बच्चों, खरगोश क्या किया, उसे बहुत अपने दौड़ पर घमंड था, क्योंकि वो दौड़ कर चल सकता था। कछुआ धीरे चलता था, इसलिए वो उस पर हंसने लगा था। इसीलिए उसने क्या की, उसके साथ शर्त लगाई और वो दौड़ कर क्या किया, उसने एक पेड़ के नीचे जाके वो जो पेड़ की छाया होती है उसमें सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वो मेले में पहले पहुंच गया। और देखो, उसे वो पेड़ की छाया में नींद लग गई, वो सो गया वहाँ पे। और कछुआ धीरे धीरे करके चलता रहा और वो मेले में पहुंच गया। कछुआ जीत गया। फिर खरगोश की नींद खुली। देखो बच्चों, कछुआ जीत गया, फिर खरगोश की क्या हुई, नींद खुली। तो वह जोर से दौड़ने लगा कि उसे लगा कि मैं इतनी देर तक सोया था, कछुआ तो आगे नहीं निकल गया। उसे पता नहीं था, वो नींद जैसी खुली वो जोर से भागने लगा। उसने देखा कि कछुआ तो जीत गया। और फिर वो वहाँ पे आया, मेले में पहुँचा तो उसने देखा कि कछुआ तो जीत गया। खरगोश को पता चला कि कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए
और देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, कभी भी किसी कोई भी हो, प्राणी हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, किसी पर कभी कभी हंसना नहीं चाहिए। वह अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ और देखो जो सोचता था वो कि ये देखो कछुआ कैसे धीरे धीरे चलता है, हंसता था, सोचता था कि ये कभी जीत नहीं पाएगा, मैं ही जीतूंगा, इसके लिए उसने शर्त लगाई थी। लेकिन क्या हुआ, सब उल्टा हो गया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। फिर उसे पता चला कि कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, वो अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ। खरगोश ने कछुओं का अभिनंदन किया, फिर वह दोनों अच्छे मित्र बने। देखो उसने फिर उसका कछुए का अभिनंदन किया और दोनों अच्छे मित्र बने। देखो बच्चों जो निबंध था मोर और ये हमारी कहानी कछुआ और खरगोश, आपको अच्छे से आपके नोटबुक में लिखनी है। ओके, सो थैंक यू।